नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल ने सरदार परियोजना के लिए 80% स्टील की आपूर्ति की। यूनिट कार्मिक प्रतिनिधियों के लिए घरेलू जांच पर कार्यशाला आयोजित। और राउरकेला स्टील प्लांट ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट समाप्त। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने एक बार फिर से देश के लिए गौरवशाली और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं में भागीदारी को जारी रखते हुए सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में आवश्यक 80% इस्पात की आपूर्ति की है। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। सेल ने संपूर्ण सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड SSNNL परियोजना के लिए लगभग 85,000 टन स्टील TMT की आपूर्ति की है। यह परियोजना नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध को जोड़ती है, जिसमें पूरे गुजरात की सभी नहरें शामिल हैं। वॉल्यूम के हिसाब से सरदार सरोवर परियोजना दूसरी सबसे बड़ी कंक्रीट ग्रेविटी वाली बांध है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्लिपवे निर्वहन क्षमता रखती है। सरोवर बांध गुजरात के नवागम के नजदीक नर्मदा नदी पर बनी एक गुप्त बांध है। इस बांध से भारत के 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग लाभान्वित होंगे। नर्मदा घाटी परियोजना का एक भाग यह बांध सिंचाई और बिजली आपूर्ति में मदद करेगा। यह नर्मदा नदी पर बड़ी सिंचाई और पनबिजली बहुउद्देशीय बांधों की एक श्रृंखला के निर्माण से जुड़ी एक बड़ी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग परियोजना का एक हिस्सा है। नर्मदा नदी पर 30 बांधों की परियोजना में से एक सरदार सरोवर बांध SST सबसे बड़ा निर्मित ढांचा है। इस परियोजना से 18,000 वर्ग मीटर से अधिक 1,90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में सिंचाई होगी, जिसमें से ज्यादातर कच्छ और सौराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्र शामिल है। इससे बिजली सुविधाओं की कुल स्थापित क्षमता 1,450 मेगावाट है। सेल देश में तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा जारी कई और प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए भी इस्पात की आपूर्ति कर रहा है। CPTI ने 16 सितंबर को यूनिट कार्मिक प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय घरेलू जांच कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK प्रधान ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री रहमान खान, उप महाप्रबंधक विधि श्री PP महापात्र, उप महाप्रबंधक कार्मिक आधुनिकीकरण श्री धीरेन्द्र मिश्र, सहायक महाप्रबंधक विधि श्री VS राजू तथा RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में RSP के विभिन्न क्षेत्र के कुल 19 UPE ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को करने के लिए आयोजकों को बधाई दी और सराहना की। उन्होंने औद्योगिक अनुशासन को बनाए रखने में UPE की दक्षता और प्रतिबद्धता की भी सराहना की। कार्मिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों को याद दिलाते हुए श्री प्रधान ने प्रत्येक को IR स्थायी आदेशों और CDA नियमों के विभिन्न पहलुओं के साथ लाइन प्रबंधकों और विभागीय प्रमुखों को सहायता और सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कार्मिक अधिकारियों का RTI अधिनियम के प्रति सचेत होने एवं कंपनी के लाभ के लिए कार्य करने का आग्रह किया। श्री खान ने कानूनी प्रक्रियाओं और धाराओं के ज्ञान और उपयोग और उनके संबंधित इकाई में कार्मिक अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान घरेलू जांच, वास्तविक न्याय के सिद्धांत और जांच अधिकारी की भूमिका एवं प्रस्तुतकर्ता मुद्दों की संकल्पना पर प्रकाश डाला गया। सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों, सिमुलेशन अभ्यास, रोल प्ले और प्रश्न उत्तर सत्र भी शामिल था।
इन सत्रों का संचालन आरएसपी विधि के एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक कार्मिक आधुनिकीकरण श्री दिनेंद्र मिश्र द्वारा किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट के क्रीड़ा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित राउरकेला स्टील प्लांट ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 16 सितंबर को समाप्त हुआ। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री एन के सामंतराय, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, स्कूल के प्रतिनिधिगण एवं क्रीड़ा प्रेमी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बालक जूनियर ग्रुप फाइनल में डिसोजा स्कूल साइम वैली इंटरनेशनल स्कूल को पराजित कर चैंपियन हुआ। इसी प्रकार बालक वरिष्ठ ग्रुप में दक्षिण पूर्व रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल टीम ने डिसोजा स्कूल को हराकर चैंपियन हुआ। बालिकाओं के लिए आयोजित अन्य एक मुकाबले में चार बालिका टीमों ने भाग लिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल की टीम दीपिका इंग्लिश मीडियम स्कूल को पराजित कर चैंपियन रही। उल्लेखनीय है कि राउरकेला में फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि जैसे खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्कूल के बालक विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिकाओं के लिए अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करना आरएसपी के क्रीड़ा प्रकोष्ठ का एक अनोखा प्रयास है। वरिष्ठ फील्ड कार्यपालक सहायक एवं बॉक्सिंग कोच श्री ई ए सिद्दीकी ने कार्यक्रम का संचालन किया। समापन समारोह के अंत में मुख्य अतिथि श्री पी के प्रधान ने क्रीड़ा ध्वज को नीचे किया और टूर्नामेंट के समापन की घोषणा की। गौरतलब है कि टाउनशिप के विभिन्न स्कूलों से कुल 23 टीमों ने टूर्नामेंट में भाग लिया जो 5 सितंबर को प्रारंभ हुआ था। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।